उस जमाने में इस नमक की वजह से गांव छोड़ के भागने वाले, तो ये तो पता नहीं था कि ये इतना पॉपुलर लोग है कि दुनिया यहाँ आएगी। इस वक्त दी ललन टॉप पहुंचा हुआ है रन ऑफ कच्छ। जो व्हाइट रन है वो वर्ल्ड में दो जगह फॉर्म होता है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो यह रण उत्सव में रण ऑफ कच्छ के पास एक पूरी टेंट सिटी बसा दी गई है, जहां पर कई सौ कई हजार काफी गिनती में लोग यहां पर आकर रहते हैं। मजे की बात यह है कि इसको हम हर साल बनाते हैं और हर साल इसको डिसमेंटल भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ की वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत खराब होती है। पूरे के पूरे परिवार तबाह हो चुके हैं। लोगों को आपस में मालूम नहीं है कि उनके परिवार के लोग कहाँ गए, वो मलबे में दबे हुए हैं या फिर उनको निकाल लिया गया है और वो किसी आसपास के अस्पताल में चले गए हैं। करीब 250 साल पुरानी यह छतरी दो बड़े भूकंप झेलने के बाद इस भूकंप के सामने ठहर नहीं सकी और भूत की सबसे बड़ी निशानी बनती जा रही यह छतरी कुछ ही क्षणों में एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। नीचे मुंह कर थोड़ा और अंदर है कोई भाई। कोशिश कर रहे हैं अंदर आवाज दे और आवाज देके लोगों को निकाले। ये तस्वीरें हैं भुज की सबसे मशहूर रिहायशी कॉलोनी की, जो अब लगभग खंडहर में तब्दील हो चुकी है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये इसका निचला हिस्सा है और ये 5 मंजिल की इमारत है, लेकिन इसके नीचे की 2 मंजिल कहाँ गई? भूकंप का असर इतना जोरदार था कि इन 2 मंजिलों को ही उड़ा ले गया। मैं चेयर पे बैठा था तो ऐसे लगा कि कुछ चेयर को पीछे लगा, तो फिर हमने बोला क्या हुआ, इतने देर में तो जमीन चल पड़ी, जगह खड़े नहीं रह सकते थे, आदमी खड़ा है तो खड़ा नहीं रह, बैठना पड़ता था और जमीन के अंदर टेढ़े पड़ रही थी, इतनी टेढ़े लग रही थी, ऐसे नीचे देखते तो डर लगता था कि कहीं ये बड़ी तिराड़ ना हो जाए जिसमें हम ना चले जाए। और फिर अचानक आवाज आने लगी धड़ाका फड़ाका, यहाँ से हमारा 30 किलोमीटर पे पहाड़ी इलाका है खावड़ा का, वहाँ पे पहाड़ फट रहे थे, वो तो इतना जो देखा है वो जिंदगी में भूल नहीं सकता है। और रण में पूरे पानी के 25-25 फुट फुहारे निकल रहे थे और वो तो बहुत खतरनाक चीज हुई थी, क्यों आज उनको 20 साल हुआ है 20 साल और उस होने के बाद, और आज कोई कल्पना भी नहीं कर पा सकता है कि हमारे ऑल ओवर कच्छ का जो कैसे कायाकल्प हुई। एक में हम पढ़ा करते थे न्यूज रिपोर्ट से, तब कहते थे पता नहीं ये कैसे खड़ा होगा दोबारा, भुज में कैसे प्रोग्रेस आएगी, और आज हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से काफी खूब तरक्की करी है। सतगुरु ये मने चोरी सिखवाड़ी गड़ायो रे, सतगुरु ये मने चोरी सिखवाड़ी। सतगुरु ये मने चोरी सिखवाड़ी, ज्ञान गणे सियो गड़ायो रे, सतगुरु ये मने चोरी सिखवाड़ी, सतगुरु ये मने चोरी सिखवाड़ी। आज जो हम
रन ऑफ कच्छ देखते हैं, रन उत्सव देखते हैं, जिसका देश विदेश में दूर दूर तक चर्चा होती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे लगा कि यहाँ पर भी नमक के रेगिस्तान में भी कुछ किया जा सकता है? 2001 में एक भूकंप आया था, उसके बाद मोदी जी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने आए थे, उन्होंने ये वाइट रन ऑब्जर्व किया, उनको एक आइडिया है कि ये अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, तो वो प्रोसेस ग्रेजुअली उन्होंने डेवलप किया और 2004 में उन्होंने फर्स्ट रन उत्सव स्टार्ट किया। 3 दिन के लिए सबसे पहला रन उत्सव स्टार्ट हुआ था, पूनम में 1 दिन आगे और 1 दिन पीछे, बाद में ग्रेजुअली बढ़ता गया, 1 हफ्ता हुआ। फिर अमिताभ बच्चन आए 2010 में, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, उसकी एड से तो बहुत फर्क हुआ। अभी ये पूरा 4 मंथ्स का प्रोग्राम है, नवंबर 12 से स्टार्ट होता है और 28 फरवरी तक चलता है। हम तो कोई जमाने में इस नमक की वजह से गांव छोड़ के भागने वाले, तो ये तो पता नहीं था कि ये इतना पॉपुलर होगा कि दुनिया यहाँ आएगी। गंगा जमुना ना घाट बुलंगी जैया लाग गेर दायो रे, सतगुरु ये मने चोरी सिखवाड़ी, सतगुरु ये मने चोरी सिखवाड़ी, ज्ञान गणेश योग रहायो रे, सतगुरु ये मने चोरी सिखवाड़ी। नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उसी समय ये गेटवे रन रिसोर्ट का ओपनिंग किया था, उसके फोटो लगाए हमने सर। यहाँ पे कुल मिला के छोटे मोटे सब मिला के 40 रूम है। बुंगा एक हमारा यहाँ का पुराना कल्चर है। अच्छा। बुंगा जो है अर्थवेक प्रूफ होता है। अच्छा। बुंगा भूकंप में गिरता नहीं, बुंगा ठंडी में ठंडा नहीं होता है, गर्मी में गर्म नहीं होता है, अंडे की तरह है। अंडा कितना भी कमजोर है लेकिन गोल है, आप दबाओ तो टूटेगा नहीं, तो ये गोल आकार की वजह से ये गिरता नहीं है, गिरता है तो बाहर गिरता है, पुराना ट्रेडिशनल है, तो हमने पूरा रिसोर्ट को लूक बुंगों में ही दे दिया। अच्छा, मेरे को इसके बनाने का प्रोसेस भी बताइए। इसके अंदर पहले तो साफ खुदाई होती है, पाइए की खुदाई होती है, उसके अंदर इसको पूरा पत्थर जो है वो लगाते हैं, उसके बाद उसको जिससे कि नींव डल जाए, हाँ वो जल जाए, वो होने के बाद ब्लॉक सीमेंट ब्लॉक की चौड़ाई करते हैं। अच्छा। ब्लॉक की चौड़ाई करके उसको दोनों बाजू लेपन कर देते हैं। अच्छा। मटका लेपन, ये मिट्टी का लेप होगा। ये पेंटिंग्स कैसी हैं, यहीं की लोकल हैं? ये पेंटिंग रंगोली बोलते हैं इसको, इसको पहले व्हाइट कलर लगाते हैं। अच्छा। व्हाइट कलर लगा के इसके ऊपर इसकी डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन बनाने के बाद दूसरे कलर अलग अलग उसमें लगाते हैं। ये टेप कच्चा कलर है, पक्का नहीं है ये। अच्छा। हर बारिश में बिगड़ जाता है। अच्छा। और फिर दूसरी बार बनता है तो पूरे लोग जो आते हैं यहाँ की, ये बहनों काम करती है तो उनको भी रोजगार मिलता है, और ये मेन इसका पर्पस ही है कि कैसे भी इसमें से लोगों को रोजगार मिले। जायु में भाई हवे पागल, ए जो ने पागल थई ने परवरु। देखिए सब मडवर्क है। अच्छा, ये तो टिका रहता होगा, बस इसको मेंटेन करना पड़ता होगा? कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा, पानी नहीं लगना चाहिए, बस पानी नहीं लगना चाहिए। ये शॉल का कपड़ा है, ये भी यहीं पर काम होते हैं, एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब यहीं पर होती है क्या? ये भुजौड़ी गांव है, वहाँ पे यही बनता है, पूरा हाथ से बना हुआ है। ये पूरा रूम है, देखिए ये बेडरूम हो गया, ये लिविंग रूम कह लीजिए, इस तरफ एसी लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, फुल साइज बेड है, मतलब रेगुलर से काफी बड़ा बेड है ये तो। ऊपर ऐसा लगे कि हम टेंट में रुके हैं तो टेंट का व्यू भी मिल सके। वो पूरा आइडिया किसका था कि ऐसा कमरा बनाना? आइडिया तो हम आर्किटेक्ट तो हम खुद दे साहब। अरे वाह, इसके बुंगा का कैसे बनाना, ये आर्किटेक्ट तो हमने खुद ने, हमारा आइडिया था कि हमारे, क्योंकि हम कई सालों से इस बुंगे में रहते हैं, तो बुंगा में अगर बनाना तो वो हमारा थोड़ा अनुभव, उसमें थोड़ा लेटेस्ट ये बाथरूम वगैरह या थोड़ा क्या, बाकी तो बुंगा तो पूरा हमारा आइडिया। मिट्टी कैसी है यहाँ पे, कुछ उग सकता है यहाँ पे? मिट्टी यहाँ जो रण के नजदीक थोड़ी खारी है, आगे जाओ तो बहुत अच्छी मिट्टी है। 30 प्रकार का घास होता है यहाँ, कितने? 30 उसमें अमुक घास रहता है कि लोग भी उसका रोटी बना के खा सकते हैं और बात भी। अच्छा। बना सकते वो घास में से।
ये हरियाली आप देख रहे हैं, ये बहुत मुश्किल वाला काम था क्योंकि यहाँ रणवीर कुल पास में है। हाँ, मतलब बहुत ही हरियाली दिख रही है यहाँ पर, तो झाड़ फूस नहीं है, अच्छी खासी लगी। ये कैसे लगाई आपने? ये हमने इसको पूरा हमारी सर्जरी कर दिया, हमने सर्जरी में से इसको मिट्टी जो खारी निकाल के उसके बीच में प्लास्टिक डाला, उसके अंदर जो मिट्टी मिट्टी है वो डाल के फिर ये लगाया, तब हो गया। बिजली हमारी पहले 200 किलोमीटर दूर से आती है हमारे गांव की, आज 66 की भी सबस्टेशन हमारे गांव में है, इसका फीडर सीधा है। अच्छा, पीने के पानी के बारे में मुझे बताइए, यहाँ पर पानी कैसा मिलता है? पीने का पानी नर्मदा का तो आता है, लेकिन हमने तो फैसिलिटी हमारे गांव में ही कर ली है। हमने बड़ा तालाब बना दिया जिसमें 70,000 क्यूबिक मीटर पानी पीने का ही रहता है। ये जब रणोत्सव होता है तो भी अच्छी रोजगारी भी मिलती है, और इसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट बहुत हुआ, रोड, रास्ते, वाईफाई, ऑप्टिकल फाइबर केबल गांव में, और गांव में वाईफाई फ्री, और एटीएम, बैंक, ये कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। कच्छ जिले का ये स्पेसिफिक एरिया मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये जो पुल आप देख रहे हैं जो कि लगभग 200 मीटर के आसपास का है, कहते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड माने ये गाड़ी जो अभी आपको खड़ी दिख रही है, ये गाड़ी अगर हम यहाँ पर रोक देंगे तो ये अपने आप पीछे खींची चली जाएगी, ये अपने आप पीछे खींची चली जाएगी, ये गाड़ी अगर हम यहाँ पर रोक देंगे तो ये अपने आप पीछे खींची चली, अपने आप पीछे खींची चली जाएगी। ड्राइवर जो है वो गाड़ी से निकल गए हैं और पीछे आ रही है गाड़ी। गियर हटा दीजिए, न्यूट्रल कर दीजिए, हैंड ब्रेक हटा दीजिए, गाड़ी बिल्कुल स्टेबल कर दीजिए। ये देखिए गाड़ी अपने आप चल रही है। टीम के हमारे साथ ही अभिषेक सोनू भी कार के अंदर ही हैं, ताकि हम उनसे भी जब ये कार से निकले तो पूछ सके कि कहीं कोई रेस तो नहीं दी जा रही थी, हालांकि इंजन अभी ऑफ है जितना मैं बाहर से भी समझ पा रहा हूँ। और देखिए गाड़ी मूव कर रही है। अभिषेक ये बताइए, अंदर जब आप बैठे थे गाड़ी पीछे जा रही थी, स्टार्ट तो नहीं थी? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये सब कुछ जादू जैसा लग रहा था, लेकिन जैसा कहते हैं कि हर जादू के पीछे एक साइंस होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का साइंस का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। रन ऑफ का जो रन उत्सव होता है उससे 27 किलोमीटर की दूरी पर है ये। कच्छ जिले का ये स्पेसिफिक एरिया काला डूंगर के नाम से जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ पर रण उत्सव लगता है, वो देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। ऊंचा ऊंचा टोडला बनावो। 2005 में रण उत्सव शुरू हुआ। रण उत्सव का जो मेन फेस्टिवल था वो पूर्णिमा के दिन, एक दिन पहले और एक दिन बाद, तीन दिन के लिए ऑर्गेनाइज किया था, और वो आज की डेट में 3 से 15 दिन हुआ, 15 से 1 महीना हुआ, और आज की डेट में 120 दिन का होता है कम से कम। ऊंचा ऊंचा टोडला बनावो, सोना रूपा ना मोरलिया चितरावो, माड़ी मारी जग मग।
अगर ये हार्वेस्ट हुआ तो सबसे ज्यादा सवाल क्या पूछते हैं टूरिस्ट? सबसे ज्यादा सवाल जो हम लोग को मिलता है, अब हमें वाइट रन लेके आए यहाँ पे सिर्फ सनसेट ही देखना है, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। अरे धस रहे मेरे पैर भी। अच्छा यहाँ पे पानी जमा हुआ होगा। तो ये रीजन कभी अरेबियन सी का पार्ट हुआ करता था, भूकंप की वजह से ये धरती अमर्ज हुई, लेकिन ये एक बड़े बाउल में तब्दील हो गया जिसमें कि हाई टाइड के टाइम में पानी आता तो है, वापस नहीं जाता समुद्र का पानी। बरसात का सीजन आता है तो बरसात और समुद्र का पानी मिलकर के यहाँ पे दलदल सारे में बन जाती है। सर मरी हुई मछली स्किन नहीं छुपाऊंगा मैं इसकी। क्यों? वो था नमक तो पकड़ ली। अचो पक्षी परदेसी डा तो किसने सामिलाया, अचो पक्षी परदेसी डा तो किसने सामिलाया, सीने सामिलाया तो काल सजन जे सुनाया, अचो पक्षी परदेसी डा तो किसने सामिलाया। अभी यहाँ पे भी 200 साल से नमक फॉर्म हो रहा है और जितना भी है वो सब ओशन का पानी आता है, तो ये सारी जगह की एयर थोड़ी सॉल्टी हो चुकी है। नमक को हम मीठो बोलते हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि मीठो मिठाई बन जाएगा, लोग देखने आएंगे। हम तो कोई जमाने में इस नमक की वजह से गांव छोड़ के भागने वाला था, ये तो पता नहीं था कि ये इतना पॉपुलर होगा कि दुनिया यहाँ आए। एक छोटा सा मार्केट है जो कि लोकल आर्टिशंस आसपास के विलेजेस से लोग आकर के यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं और सेल भी करते हैं। उद्देश्य ये है कि इन लोगों की जो कला है वो प्रमोट हो, वो दूसरे स्टेट्स में जा सके। तो जिस तरीके देखेंगे कि ये कच्ची शॉल्स हैं यहाँ पे, इनके यहाँ पे बांधनी है, तो दीज आर वन ऑफ द यू नो वेरी स्पेशलिटीज ऑफ कच्छ रीजन। ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स में बना हुआ है, सो ये लगभग 3 किलोमीटर एरिया का हम कवर करते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी टेंट सिटी है। और इसमें हम लोग 350 टेंट्स लगाते हैं। ये पीएम साहब का टेंट है। इंडिया टुडे की मैगजीन रखी हुई है सबसे ऊपर, 14 दिसंबर की रखी हुई है, वो 12 दिसंबर को आए थे तो वो एक दो दिन रुके होंगे, तब की अपडेटेड मैगजीन यहाँ रखी हुई है। ये मास्टर बेडरूम है यहाँ पे, यहाँ पे पीएम साहब का शयन कक्ष, और इसके साथ में ये मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ में आपका वॉशरूम एरिया है। ये बिल्कुल वो मिट्टी का लेप लगा दिया सीमेंट के ऊपर, बिल्कुल फील वैसे थोड़ा सा कच्ची फील होना चाहिए जी। और ये यहाँ पे एक ड्रेसिंग एरिया है, पीएम साहब आते हैं तो कभी कभी वो यहाँ पे योगा वगैरह वो सब भी कर लेते हैं। ये पूरा इतना बड़ा मिरर लगा हुआ है, आप इस पे हाथ मारेंगे तो ये स्टील की प्लेट है पूरी की पूरी। जो टेंट है वो एक बुलेट प्रूफ टेंट है, स्टील की एक बहुत मोटी चादर चारों तरफ से लगी हुई है उसमें, जिसमें कि मेनली जो है आपका बेडरूम कवर किए गए हैं इसमें। इसी तरीके से अब हम लोग आपको एक प्रीमियम टेंट दिखाएंगे यहाँ पे। Thank you.